पूरे राजस्थान में आज 8-9वां दिन चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक हमारी टीम भाई नरेंद्र सिंह शेखावत राजेंद्र राणा के नेतृत्व में बीकानेर संभाग में मैं स्वयं भाई भूदेव जी धाकड़ पवन मीणा पुरुषोत्तम जी कुंभज और हमारे साथी हम जी राजस्थान संयुक्त नरसे संघर्ष समिति के आह्वान पे हमने 11 सूत्री मांग पत्र राजस्थान की सरकार को 4.5 साल से दे रखा है, परंतु सरकार के द्वारा अभी तक हमारे इस 11 सूत्री मांग पत्र कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए दिनांक 10 जुलाई 2023 को SMS चिकित्सालय के सभागार में राजस्थान के संपूर्ण हमारे पदाधिकारी 234 ब्लॉकों के पदाधिकारी उनकी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच में आह्वान लिया गया कि राजस्थान की सरकार को 10 दिन का टाइम दिया जाए। हमने 10 तारीख से 17 तारीख तक 7 दिन का सरकार को टाइम दिया, परंतु सरकार के द्वारा अधिकारित कोई वार्ता नहीं, डिप्टी है हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर है उसके स्तर पर 2 बार वार्ता हुई, परंतु उसमें वो कोई नीति निर्धारक नहीं है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि आने वाले 18 जुलाई से राजस्थान के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टरों पर जो हमारे जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज है सभी हुए सांकेतिक धरना दिया जा रहा है और उसका आज पूरे राजस्थान में आज 8-9वां दिन चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक हमारी टीम भाई नरेंद्र सिंह शेखावत राजेंद्र राणा के नेतृत्व में बीकानेर संभाग में मैं स्वयं भाई भूदेव जी धाकड़ पवन मीणा पुरुषोत्तम जी कुंभज और हमारे साथी हम उदयपुर अजमेर संभाग के दौरे पर हैं। आज की इस मीटिंग के माध्यम से मैं राजस्थान की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की 11 सूत्री मांग पर सरकार ने कार्रवाई नहीं, तो हम 1 अगस्त से राजस्थान के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में राजस्थान के आम नर्सेज हमारे जिला शिक्षालय पे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक हमारे इस 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर विरोध प्रकट करेगी और उसके बाद 2 अगस्त 2023 को ग्रामीण प्रवेश क्षेत्र में PSC CSC उप चिकित्सालय सब सेंटर उसमें प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 8 अगस्त को राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश में जिला कलेक्टर पे और हम स्वयं जो जयपुर में रहते हैं वो उसमें स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे और 14 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जिला चिकित्सालयों में कैंडल मार्च करके हम सरकार को एक बार सद्भुगी की प्रार्थना करें कि आप राजस्थान के नर्सेज के जो 11 सूत्री मांग पत्र उस पर कार्रवाई करें। उसके बाद हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मना के आने वाले 16 तारीख को मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से राजस्थान के संपूर्ण 70,000 नर्सेज की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले अगर 15 तारीख तक भी राजस्थान की इस 11 सूत्री मांग पत्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 16 तारीख के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख लगातार पूरे प्रदेश में राजस्थान के 70,000 नर्सेज 2-2 घंटे का गेट मीटिंग करके हमारी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हजारों की संख्या में हमारा टारगेट है कि राजस्थान की राजधानी में 23 अगस्त को हम 50,000 नर्सेज की एक महारैली उस रैली में हम सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश संयोजक, राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति।